ये अपना क्रॉम्पटन का एग्जॉस्ट फैन है, इसको यहाँ पे अभी लगाने वाले हैं। वायर वगैरह कुछ नहीं है, छोड़ना रहता है। इसका वायर पीछे पूरा हाइड हो जाने वाला है। अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ पूरा फुल वीडियो। पहले साइड में वायर छोड़ते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसा ये लगाते हैं। पहले तो इसका जैसा वो जो कंपनी का वायर रहता है वो साइड में निकाला हुआ है, इसको पहले खोलेंगे यहाँ से और अंदर से निकालेंगे। ये भी डब्बी खोलेंगे और पीछे से निकालेंगे, अंदर से भी पत्ती के नीचे से। ये खुल गया, इसका चौक रहता है छोटा सा एग्जेस्ट का यहाँ पे साइड में। कभी कभी आपका एग्जेस्ट बंद हो गया तो चौक चेंज करने से चालू हो जाता है। वो डब्बी के नीचे चौक रहता है एक। ये रहा, नीचे से अभी वायर निकाल दिए हैं। अब इसको खोलते हैं, वायर को बांधा हुआ है वो। ये रहा अपना वायर, पीछे से अभी इसको निकालते हैं। नीचे वायर में चाप के निकाले, ऐसा ना हो कि ब्लेड में आपको टकराने लगे हो। अभी इसको लगाते हैं। ये रहा अपना वायरिंग, पीछे से निकाला हूँ। ये रहा पीछे से निकल गया और पीछे से पीछे ही वायर चला जाएगा, बाहर कुछ भी दिखेगा ही नहीं। लगाते हैं, डब्बी थोड़ा टाइट कर देते हैं। ये रहा वायर, मैंने पहले ही बाहर से कटिंग करके बैक एंट्री होल मार के पीछे निकाला हुआ है वो। और जब भी बैक एंट्री होल मारेंगे तो नीचे डाउन करके लगाना है, बाहर साइड डाउन रहना चाहिए बैक एंट्री होल, नहीं तो पानी वगैरह अंदर आने लगेगा। ये हो गया पीछे से वायर, और एग्जॉस्ट फैन का भी वायर यहाँ पे जोड़ते हैं। और जो भी बड़ा वायर रहेगा उसको, बड़ा वायर रहेगा उसको टेप मार के छोटा कर देना है, या तो पीछे पाइप है प्लम्बर का उसमें फंसा देंगे। वायर को बस छोटा कर देना है पीछे, ऐसा ना हो कि नीचे एक दरवाज़ा है वो खोलने पर टकराए। वायर वगैरह कुछ दिखना नहीं चाहिए। ये अपना लग गया है। अभी इसमें स्क्रू टाइट करते हैं। इसमें मशीन सादा मशीन रहता है ड्रिल, उससे भी हो जाता है, लेकिन ये एल्युमिनियम का ही रहता है तो हाथ से ही टाइट हो जाता है। इसमें मजबूत रहता है, लेकिन इसका पीओपी का स्क्रू एक आता है, बहुत बहुत नुकीला रहता है, वैसे ही टाइट हो जाता है इसमें। तो ये भी स्क्रू ड्राइवर से ही टाइट करते हैं। दो स्क्रू टाइट कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही बहुत हो गया। दो स्क्रू पे बात हिलता ही नहीं है, और जगह भी नहीं रहते दो स्क्रू के बाद टाइट करने का ऊपर नीचे उतना। ये अपना दरवाज़ा खोल के चेक कर लेना है, नहीं तो दरवाजे में टकराना नहीं चाहिए। और इसके एक कवर भी आने वाला है, तो थोड़ा सा गैप करके ही लगाते हैं। और सीधा देख के लगाना है, ऐसा नहीं हो कि साइड साइड से गैप चेक करके लगाना है। और फुल टाइट नहीं रहा तो बहुत सारा आवाज़ आने लगता है एग्जॉस्ट फैन का, देखेंगे बहुत सारे बड़बड़ बड़बड़ ऐसा आवाज़ आता है, कट 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 कट। तो ढीला रहने की वजह से वो आवाज़ आने लगता है। थोड़ा बहुत तो एयर कटिंग का भी आवाज़ रहता है, लेकिन ढीला रहने पे ज़्यादा आवाज़ आता है, इसलिए फुल टाइट रहना ज़रूरी है। ये इसका कवर है, ये लग गया कवर, खोल के चेक कर लिए हैं, क्योंकि वो बाद में ऐसा ना हो कि लगाने के बाद सटने लगे। अभी परफेक्ट हो गए। अभी आपको दिखाता हूँ कैसा है वो। ये देखो चालू भी हो गया है, कैसा हाइड हो गया, वायर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। नीचे भी वायर नहीं है, साइड में पूरा वायर जो भी था छोटा करके कर दिए हुए, मस्त हो गया है। अभी पहले रहता था वो, एक पहले कैसा रहता था उसका मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पहले ऐसे छोड़ के रखते थे सभी, ये साइड में वायर लटकते रहता है बाहर, और डब्बी एग्जॉस्ट फैन के लिए उतना वायर। इसमें तो वाइट वायर है, थोड़ा बड़ा तो पहुंच जाता है, नहीं तो बहुत में तो वायर भी वाइट नहीं रहता है, अलग अलग कलर के वायर जोड़ने पड़ते हैं, तो बहुत ही गंदा दिखता है। अभी पहले का देखेंगे और ये देखेंगे तो बहुत ही फर्क है, इसलिए बाहर ही छोड़ना चाहिए वायरिंग।